विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए, और मैंने बोला हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए। तो वो उन्होंने मुझसे बात की है। सर, क्या इनके अलावा कोई और मंत्रियों की भी इस तरह की ड्यूटी लगाई गई है? ना, किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई है, कोई ऐसी ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य से कई लोग बात कर रहे हैं, तो उनका मन कांग्रेस में है, लेकिन अब हरियाणा की बाउंड्री में ललित होटल पंचकूला में बैठे हुए हैं। अब जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब देखेंगे। मैंने बोला मुझे तो एक विधायक का फोन आया था, वो पछतावा कर रहा था, बाकी मेरी और किसी विधायक से बात नहीं। ये मेरी और विक्रमादित्य जी की बातचीत है। उन्होंने, अब मैं उनको क्या कुछ चीजें आपको बाद में बताऊं। अगर वो आते हैं तो वेलकम करेंगे सर उनको। देखिए, मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। सर, आप कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? देखिए, मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। हाई कमांड है, पार्टी का हाई कमांड है, खड़गे साहब वहाँ बैठे हैं, उनके पास विक्रमादित्य जी अभी, मेरे ख्याल अभी जाना था, उन्होंने 4:20 की उनकी फ्लाइट थी, उसके बाद वो उनसे मिलेंगे, फिर आगे क्या बात बनती है अलग बात है। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद।